महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुए साधु संत और नागा सन्यासी दो महामंडलेश्वरों के साथ दिखे विदेशी भक्त भी। आज श्री पंचायती खड़ा महानिर्वाणी का पेशवाई है। हम लोग यहाँ से जाएंगे जमात पूरा लेके और छावनी में जाएंगे वहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में। और पेशवाई का मतलब पहले इसको शाही कहते थे, फिर बाद में धीरे धीरे करते करते पेशवाई हो गया, मतलब यहाँ से वहाँ जाने का ही नाम है पेशवाई। प्रवेश, हाँ प्रवेश, मेला में प्रवेश करना, ये पेशवाई कहते हैं इसको। और सभी महात्मा राजी खुशी से वहाँ पहुँचे, भगवान से मेरा प्रार्थना है, सभी मंडलेश्वर आचार्य सभी हमारे साथ जाएंगे और सब राजी खुशी से पहुँचे, यही भगवान से प्रार्थना। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक महाकुंभ पर्व 2013, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का प्रथम शाही स्नान होता है, उसका नगर प्रवेश के बाद प्राचीन काल से जो परम्परा चली आ रही है जिसको कहते हैं पेशवाई, उस क्षेत्र के जो राजा होते थे प्राचीन काल में अपने संपूर्ण वैभव के द्वारा संतों का स्वागत करते थे और हाथी घोड़े और रथों पर बैठाकर उनको नगर भ्रमण कराकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कराते थे, उसी का अर्थ है पेशवाई। आज क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद देश की परिस्थितियां भी बदली हैं, तो आज भी वो परंपराओं को बनाए रखे हैं अखाड़ों ने। अखाड़ों का अपना एक अलग संस्कृति को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उनका जो कार्यक्षेत्र है, संपूर्ण भारतवर्ष से सभी संत एक जगह एकत्रित होते हैं और अपने इष्ट देवता भगवान कपिल महामुनि जी के सानिध्य में कुंभ पर्व का जो प्रारंभ है वो पेशवाई से ही होता है। समस्त नगर भ्रमण करते हुए नगर के जो नागरिक हैं वो संतों के दर्शन करते हैं और उनसे आशीष प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही कुंभ पर्व का प्रारंभ होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी एक प्राचीन संस्था है जिसका संपूर्ण संचालन कार्यपालिका और विधायिका दो पंच के जो विधान बना हुआ है उसके द्वारा होता है। उसमें सभी महापुरुषों को जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो अपने इष्ट व्यक्तिगत हितों को ना देखते हुए संस्था के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से उसका निरूपण करते हैं। लाखों की संख्या में साधु संत जो है कुंभ मेले में आते हैं और शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो है जब हम लोग साधु संत यहाँ आरती प्रातःकालीन होती है तो जितने भी यहाँ तल में साधु होते हैं पूजा के समय सबसे पहले ओमकार होता है। ओमकार स्वरूप देवता जो है हमारा, जो ध्वजा है, जहाँ चरण पादुका है, जहाँ गुरुदत्त महाराज का चिन्ह है, निशान है, वहाँ पाते हैं, सबसे पहले पंच ओमकार उठाते हैं। यानी ये ओमकार का प्रतीक है कि हम गुरु महाराज पे समर्पित हो चुके हैं, ये जीवन मेरा कुछ बाकी नहीं रहा है, ये सब कुछ गुरु महाराज का है, गुरु महाराज के मैं अर्पण हूँ, गुरु महाराज के अधीन हूँ, कुछ मेरा कुछ बाकी नहीं रहा है, ये शरीर भी उन्हीं का है, वही सब कुछ करा रहे हैं, वही करने वाले हैं, न मेरा कुछ है, न था और न आगे है। जब हम इस परंपरा में आ जाते हैं तो हमारा संन्यास में सब कुछ यही परंपरा, गुरु महाराज वो आदिनाथ से जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा चली आई परंपरा है, उसी का निर्वहन करते हैं। सनातन धर्म की ध्वजा की रक्षा के लिए
ये जो सन्यासी हैं इनका जीवन अर्पित है धर्म के लिए और सदा अर्पित रहेगा। और जब तक ये सूर्य चांद सितारे हैं, गंगा जमुना नदियां बह रही हैं, तब तक ये सनातन धर्म का प्रतीक रहेगा और इससे पहले था और आगे भी रहेगा। महाराज जी, ये ओंकार उठाने के जैसे हम लोग सामान्य जन गृहस्थ जन नमस्ते करते हैं, आप लोग विशेष तरीके से हाथ को और गुरु महाराज को शीश नवाते हैं, क्या कैसे करते हैं? इनको ये सब अलग अलग पद्धति है और हमारे सन्यास पद्धति में स्वयं नारायण स्वरूप अपने को ओम नमो नारायण जो शब्द है महावाक्य जिसको कहते हैं दस नाम का माँ ओम नमो नारायण है और उसको नारायण स्वरूप में उसको हम नमस्कार करते हैं। कोई अनेक अनेक रूपों में उसका प्रणाम दंडवत सब है लेकिन हमारे दस नामी सन्यास पंचोमकार सहित ओम नमो नारायण हम लोग